नाम मरीशा फातिमा है, आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट डॉ मेडिकल कॉलेज और इस वक्त हम डॉ मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में खड़े हैं जो कि सदर में वाकई है। आज है D26 का ओरिएंटेशन डे, ओरिएंटेशन हो रही है लेक्चर हॉल 2 में और हम वेट कर रहे हैं कि बच्चे बाहर आएँ ताकि हम उनको वेलकम कर सकें और उनसे पूछ सकें कि उनके क्या तासरात हैं। Introduce yourself one by one. My name is Aksa Mohammad Nasir. I am Askar Abani. I am Fatma Haq. Afsa Ghori. My name is Muskan Asim. You're so pretty, Muskan Asim. Thank you. Okay, how do you feel coming at Dow? It feels great, honestly. It was a dream for me and that dream eventually came true. So yeah, it feels great. Filhal, I don't feel anything, but I'm too excited to wear this coat finally. Look, I'm really, really happy because finally I am on the path of becoming a doctor, which I always wanted to do. And like they said, wearing the lab coat really means a lot. It's like a dream coming true. So like, I'm really happy. It's very like a common thing to say, but this is what it is. I think I'm in a state of denial kyunki itne saal mehnat karne ke baad there is like we're finally here, but lab coat pehen ke like she said ek feeling aa rahi hai ki ab aana hai yahan pe. So you're the doctor, right? Yes, you oh have that. And what were the feelings of your parents when they came to know that you have? Everyone went mad inside my house. Yes. There was like an uproar. Like I looked at my merit number, I didn't feel anything, and then there was my sister side, I mean, she started screaming, and then my mother started screaming, and then my dad started running around the house. It was utter chaos. जब मुझे पता चला मेरी डाउन में हुई है तो मैंने सबसे पहले अपने बाबा को किया. मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरे लिए बाबा हैं, उन्हीं की वजह से मैंने मतलब मैंने इतनी मेहनत की. यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू. हाँ, वो मतलब मेरी चार सिस्टर हैं और चारों डॉक्टर हैं. लेकिन मैं सिर्फ डाउन से हूँ ना, वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते थे और वो मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरी होती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. व्हेन आई यू नो गॉट टू फाइंड आउट माय स्कोर, दैट वाज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. दैट वाज व्हेन आई इवेंचुअली रियलाइज दैट यू नो आई हैव मेड इट टू डाउन. सो माय मदर वाज एक्चुअली, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, शी वाज क्राइंग. सो या इट वाज प्रीटी इमोशनल. व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू फर्स्ट केम टू नो दैट यू हैव एनरोल्ड इनटू डाउ? आई जस्ट कांट बिलीव माय सेल्फ दैट आई हैव अचीव व्हाट आई एम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव वर्क वेरी hard for it. So it was a great experience. It was an amazing feeling. और जब पता चला था तो मैं all family members were shouting के कैसे हो गया तुम्हारा, क्योंकि उन्होंने इतना expect नहीं किया था, क्योंकि इस बार का MCAT बहुत chaotic था और बहुत ज़्यादा उसने हमें depression दिया था बहुत. How do you people get to focus yourself to one thing? जैसे बहुत सारी distractions होती हैं, तो तुम लोगों ने एक goal पे focus किया और उसको achieve किया. How was it possible for you? When I was a student, I just imagined myself wearing the white lab coat and that kept me pushing forward. कि मुझे अचीव करना है. इस वजह से ज़्यादा आपने ऐसे नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, दिन में आप 5 घंटे दें, 6 घंटे दें, इतने इनफ हैं MCAT के लिए. उसके बाद तो आगे पढ़ने आपको पता होगा. आर यू एक्साइटेड फॉर द जर्नी एंड यू थिंक मेडिसिन इज़ हार्ड? यस, आई थिंक मेडिसिन इज़ हार्ड, लेकिन मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में आके इंसान को थोड़ा फन करना चाहिए, पढ़ाई को साइड पे रख. अच्छा, मुझे बताओ कि ऑनलाइन और फिजिकल में क्या मतलब तुम्हें एडवांटेज क्या मिला ऑनलाइन से? ऑनलाइन का ये होता है कि आप टायर्ड नहीं होते, मतलब 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में. फिजिकल अकेडमीज में इंसान इतना टायर्ड हो जाता है, क्लासेस लेता है और फिर हंसी मजाक भी होता है साथ साथ ही. एंड आई थिंक ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर रहता है, आप अपने हिसाब से स्टडी कर पाते हैं. अच्छा, डू यू थिंक दैट कि जो इतना स्ट्रगल था, ऑब्वियसली यू पीपल हैव बीन द टॉपर्स ऑफ योर क्लास, द क्रीम ऑफ कराची, डू यू थिंक दैट all this trouble was worth it wearing this white lab coat coming here? Do you think it was worth it? It was more than worth it because hum logon ne jo sleepless nights or functions leave kar dena, parties leave kar dena, friend occasions, friend gathering, तो इस बार का MCAT बहुत क्योटिक था, बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकिंग. या इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड बिकॉज ऑफ द PMC एंड द PMDC फियास्को. सो या इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट या इट्स रियली वर्थ एंड आई एम ग्लैड दैट इट एंडेड वेल. अच्छा, एनी पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर MCAT? बिकॉज यू नो बहुत सारे बच्चों के पास इतनी गाइडेंस नहीं होती, सो कमिंग हियर वेयरिंग दिस वाइट लैब कोट, एनी पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू गिव? आई विल जस्ट से प्लीज वर्क वेरी वेरी हार्ड, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड. जस्ट लॉक योरसेल्फ इन द रूम, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स एंड प्लीज स्टडी एज हार्ड एज यू कैन, बिकॉज इट्स ऑनेस्टली इट्स जस्ट हार्ड वर्क दैट विल ब्रिंग यू हियर, नथिंग एल्स. I would just say ki like there are a lot of distractions like around the world, and if you just you know, stay calm and look at your focus, you will inshallah be successful. The fact that if you want to procrastinate, at least plan your procrastination beforehand. So that's yes, because how you have do you do it?
Like myself, I definitely always been all like since 10th grade I've been making a timetable to proceed. So just divide the like their subjects, different subjects, and then there's English ka part a little bit according to their weightages in the exam. Just divide your time accordingly. Like bio has the most weightage, give it the most importance. And most importantly, since there is like there's in this entire bubble of uncertainty created by PMC, so I think it's more important to focus on federal books now, especially for A levels students, because even for Sindh board as well, they have already covered the Sindh board exams material now. So right now I think because they've merged the entire syllabus, so I think it's better if they focus on federal board key books. ऐसे उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर उन्होंने एक चीज़ का एम बनाया है, उन्होंने किसी चीज़ को सोचा है ना, तो अब उसके लिए लग जाएं पीछे, मतलब उसके लिए बाकी सारी चीज़ें जो है वो पीछे छोड़ दें, अपने सारे जो फैमिली ओकेजन्स, फैमिली मीटिंग्स हैं सब छोड़ दें, बस उस चीज़ के पीछे पड़ जाएं और उस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करें कि आपके रास्ते में कोई ना आ सके. क्योंकि हमेशा ये पाकिस्तान है, यहाँ की गवर्नमेंट, इधर की हर चीज़, इधर हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग, तो इधर कुछ भी हो सकता है. इसलिए हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि अब जिस तरीके से हम लोगों के वक्त में सिलेबस चेंज हुआ था, अब इन लोगों को भी नहीं पता कि इनके वक्त में कौन सा सिलेबस आएगा, क्योंकि इस दफा भी बोल रही थी कि सिंध गवर्नमेंट के हम लोग अपना खुद टेस्ट लेंगे, तो दे डोंट नो दैट व्हाट विल बी द सिलेबस, सो दे शुड प्रिपेयर फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज. ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द होल वीडियो अबाउट. आई रियली वांटेड टू रिकॉर्ड द एक्सप्रेशंस ऑफ पीपल हु गॉट इनटू डाउ. इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर एमकैट दिस ईयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक. Keep working hard, don't stop, because you see here people are wearing this lab coat. It is so worth it. This requires so much effort. Ye jo respect wala level aaya hai na, this is not that easy. So wish you best of luck, keep working hard, and that's all. Bye bye, peace.